इंस्टाग्राम पर कौन सा कंटेंट सबसे बेस्ट काम करता है, इंस्टाग्राम पर कौन से हैशटैग सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं आपकी इंडस्ट्री में, इंस्टाग्राम पर अभी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और आपका कंटेंट आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको एक चीज़ से पता चल सकती हैं और वो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। यानी जब भी हम इंस्टाग्राम पर उतरते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आज जो मैंने ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम करने वाले हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स को पहले फाइंड करेंगे, देन हमारे कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCube Tech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी जैसा मैंने बोला कि कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस करने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आपको ये पता चलता है कि कौन सा कंटेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, व्हाट कंटेंट इज़ वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपको ज़्यादा एंगेजमेंट, ज़्यादा फॉलोवर्स, ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपोजर आपको इंस्टाग्राम पर दिला सकता है, आपके इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है, आप ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू योर इंडस्ट्री। तो ये चीज़ें आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस से बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपने कॉम्पिटिटर को ढूंढें कैसे, यानी कैसे पता लगाएं कि ये पर्सन हमारा कॉम्पिटिटर है या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमारे कॉम्पिटिटर कौन है। तो देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटर ये जो वर्ड है ना, काफ़ी ज़्यादा हमें वैसा लगता है, नेगेटिव लगता है कि वो पर्सन हमें उसकी हमें उसको कॉपी करना है, हमें उसके जैसा बनना है, हमें जो है उसको पीछे छोड़ना है। तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो। कॉम्पिटिटर का डिजिटल मार्केटिंग में मतलब होता है ऐसा पर्सन वी कैन लुक अपॉन, मतलब हम किसी को देख सकें और उससे कुछ सीख सकें, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन हमारी इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर निश में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हम उससे कुछ सीख सकें, ठीक है। तो इसीलिए हमें कॉम्पिटिटर्स चाहिए, इसीलिए हम उनका एनालिसिस करेंगे जिससे कि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ, ठीक है। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैनुअली, आप इंस्टाग्राम पर आकर कोई भी अपना कीवर्ड, जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल रिव्यू कीवर्ड टाइप किया है, ये कीवर्ड जैसे आप टाइप करेंगे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। ये जो मैनुअल सर्च है, ये आप मोबाइल में बेटर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको पीपल या कीवर्ड को एग्जैक्ट सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ये एक अकाउंट है, तो मैं इसको जैसे ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अकाउंट है, 72K अप्रॉक्सीमेटली फॉलोवर्स हैं, एंड इनके अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो कंपेरेटिवली अच्छा ये जो है परफॉर्म कर रहे हैं, इंगेजमेंट्स कम है बट लोगों तक पहुँच रहा है कॉन्टेंट। जैसे आप देख सकते हो कि व्यूज़ वगैरह हैं लेकिन कॉमेंट्स वगैरह इतने नहीं हैं, तो इंगेजमेंट्स कम है बट हाँ डेफिनेटली लोगों तक कॉन्टेंट पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारा मतलब इंस्पिरेशन हो सकती है ना। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने मोबाइल रिव्यू है, तो आप जैसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको हैशटैग्स भी आएंगे। तो इन हैशटैग्स को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से ये जो टॉप कंटेंट है ये यहाँ पर आ रहा है। आप जैसे ये कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस कंटेंट इज़ आल्सो देयर, तो इस कंटेंट पर आप इस तरह से जाकर आप देख सकते हो कि क्या ये कंटेंट, ये जो कंटेंट क्रिएटर है, ये हमारे नेट से रिलेटेड, हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है या नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया मैनुअल तरीका। इसके अलावा जो एक्सप्लोर बटन हमारा होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस तरीके का कंटेंट जब आप शेयर या इंगेजमेंट आप उस तरह के कंटेंट में दिखाते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो एक्सप्लोरर पार्ट है उसमें भी आपको कई सारे रिकमेंडेशन, ट्रेंडिंग आपको कंटेंट मिलता है, तो वहाँ से भी आप अपने कॉम्पिटिटर्स देख सकते हो। लेकिन जो मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाली हूँ, उससे अगर आपका अकाउंट एकदम नया है तो आप उस टूल का यूज़ कर सकते हो। तो इस टूल का नाम है इनफ्लेक्ट, और आगे भी मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में जो है इनफ्लेक्ट टूल का यूज़ लेने वाली हूँ, काफ़ी अच्छा टूल है। एंड ये जो टूल है, इसका नाम पहले था इनग्रामर, तो इनग्रामर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल था, तो मैं इस टूल का यूज़ लेने वाली हूँ। अभी आप जैसे देखोगे तो ये प्रो वर्जन भी है इसका, लेकिन अभी हम फ्री वाला वर्जन जो है वही हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर जाना है टूल वाले ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्विसेज ले सकते हो, टूल्स ले सकते हो, उनकी लैब भी है यहाँ पर। तो टूल्स वाले ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पर ये सर्च ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड, अपना लेट्स से कोई भी यूज़र नेम या फिर कुछ भी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कीवर्ड ऐड किया दैट इज़ मोबाइल रिव्यू, ठीक है। जैसे मैंने मोबाइल रिव्यू यहाँ पर डाला तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि एटलीस्ट कितने फॉलोअर्स वाला पर्सन आपको चाहिए। तो जैसे मेरा टारगेट है कि भाई एटलीस्ट 10K जिसके फॉलोअर्स हों वो मेरे को यूज़र जो हैं दिखें। उसके अलावा पोस्ट अमाउंट तो एटलीस्ट हम चाहेंगे कि एटलीस्ट जिसके 500+ पोस्ट हों एटलीस्ट वो मुझे दिखे, ठीक है। लोकेशन, अब यहाँ पर अगर आपकी लोकेशन आपको स्पेसिफाई करनी है तो आप यहाँ पर जैसे इंडिया कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद में आप, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये कुछ अकाउंट जो है मेरे को यहाँ पर मिले हैं। जैसे मैंने सर्च पर क्लिक किया है तो सबसे पहला जो है ये हमारा एक अकाउंट है दैट इज़ पेड रिव्यू वायरल। तो इसके अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख जो है फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक अकाउंट है डू यू ट्रैवल, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड अकाउंट दैट इज़ मोबाइल गुरु, ठीक है। एंड अनदर वन इज देयर, ये यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें से आपको जो है देख सकते हो, इनको एक बार कंसिडर कर सकते हो। तो लेट्स से कि इसमें से मैं सबसे पहला वाला जो है, जैसे वैसे ये पेड रिव्यू वायरल है लेकिन मैं एक बार जैसे ये वाला अकाउंट जो है ये मैं ओपन कर रही हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इस अकाउंट का एकदम इन डेप्थ एनालिसिस आ गया। वन इज़ अपलोड इतने हैं इनके, इनकी इंगेजमेंट कंपेरेटिवली इतनी है, इंगेजमेंट का फॉर्मूला जो इनका होता है दैट इज़ लाइक्स प्लस कॉमेंट जितने भी आए हैं डिवाइडेड बाय पोस्ट, एंड उसको भी डिवाइड करते हैं फॉलोवर्स से मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे इनका ये इंगेजमेंट निकलता है। ये फॉलोवर्स हैं टोटल, ठीक है। एवरेज जो यूज़र एक्टिविटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.4% है। तो इसका जो एक्चुअल अकाउंट है इंस्टाग्राम पर वो भी आप इस तरह से देख सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन क्या लेनी है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने अपने जो बायो है उसमें क्या लिखा है, जो ये पोस्ट कर रहे हैं कितना फ्रिक्वेंटली ये पोस्ट कर रहे हैं, क्या ये पोस्ट कर रहे हैं, कौन सी इनकी जो रील्स हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये इन्होंने एक पिक्सल 7 प्रो का जो है इन्होंने रिव्यू किया है, ये काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देखोगे ये एक फ़ोन, ये वाला जो एक रील है ये भी इनकी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। तो ये नथिंग फ़ोन का इन्होंने रिव्यू किया है, आप देख सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे तो काफ़ी जो इनका कंटेंट है वो कुछ इनमें से वायरल हुआ है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से ये हमने एक हमारा कॉम्पिटिटर ढूंढ लिया, ठीक है। वैसे ही आप आओगे और जाओगे तो देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये वाला भी हम एक बार ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे इनका जो मेन है वो आई थिंक टिकटॉक पर ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो इनका जैसे मेरे को देख के पता चल रहा है कि इनका निश जो है वो डिफरेंट है, जो मेरा मोबाइल रिव्यू वाला जो मेरा निश है उससे बिल्कुल अलग है, तो मैं इसको जो है अपने लिस्ट से हटा दूंगी। तो अभी मेरे पास आप देखोगे तो मेरे पास दो यहाँ पर ये कॉम्पिटिटर्स आए हैं, इनका मैं एनालिसिस कर सकती हूँ, ठीक है। चलो अब मैं कोई दूसरा निश ले लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ही जाऊँगी वापस एंड कोई अपना कीवर्ड जो है मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप किया है दैट इज़ कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, ठीक है। कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स आ गया, तो अब यहाँ पर वही मेरे फॉलोवर्स की यहाँ पर ये लेंथ हो गई। उसके अलावा कैटेगरीज भी हैं यहाँ पर डिफरेंट कि कौन सा आप कैटेगरी में जैसे वो करना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पर है कि पर्सनल ब्लॉग, ऑल ब्लॉगर, कम्युनिटी, तो यहाँ पर एक बार के लिए हमने जो है ऑल ही सेलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे कस्टमाइज गिफ्ट टाइप किया, यहाँ पर कुछ और भी जो है मेरे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ये एक अकाउंट है, उसी के साथ में ये एक अकाउंट है, तो ये बाहर का अकाउंट है तो ये हमें नहीं लेना है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ यहाँ पर अकाउंट्स हैं, तो इस तरह से आप इनको जो है ओपन कर सकते हो। एक एक का, एक एक पेज का जो है, एक एक पर्टिकुलर अकाउंट का जो है एनालिसिस आप कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इनके अप्रॉक्सीमेटली 80-90,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, पोस्ट हैं ये इनके। एंड उसी के साथ में आप इनकी अगर मैं रील्स वगैरह देखती हूँ तो रील्स वगैरह भी इनकी काफ़ी ठीक चल रहे हैं, ठीक है। और इनका अगेन वही है कि ये कुछ कस्टमाइज गिफ्ट जो हैं वो सेल करती हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू माय निश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी इनकी जो रील्स हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, सबसे अच्छा काम कर रही हैं, वो आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है। तो जब ये चीज़ आप देखोगे, जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखोगे, तब आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि सबसे पहले आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। जो भी आपके निश में पॉपुलर लोग हैं वो अपने भाइयों में क्या पोस्ट कर रहे हैं, अपने कीवर्ड्स क्या पुट कर रहे हैं, कौन से हैशटैग पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने हैशटैग वो पुट कर रहे हैं, यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि उनका कौन सा ऐसा कॉन्टेंट है, किस तरह का उनका कॉन्टेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको कॉम्पिटिटर्स को देख के पता
चलेगी, उसी के साथ में आपको ये पता चलेगा कि आपकी इंडस्ट्री में अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। ठीक है, ऑब्वियस बात है वो आप देखेंगे कि कितना इंगेजमेंट वगैरह किसी चीज़ पर आ रहे हैं। तो ये एक अमेजिंग टूल है, वैसे इस टूल की मैं और भी आगे बात करूँगी एंड इट इज़ अ वेरी गुड टूल। और उसी के साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन है, दैट इज टूल्स ऑप्शन में जाकर अगर आप एनालाइजर वाले ऑप्शन में जाओगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक अकाउंट था, तो ये अकाउंट जो है मैंने एज इट इज़ मतलब ऐसे इंस्टाग्राम से लिया था। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे यूज़र नेम ऐड करती हूँ और एनालाइज करती हूँ, तो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल का भी मुझे एनालिसिस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने इनके अपलोड्स हैं, इतने इनके इंगेजमेंट है, और इनका जो एवरेज यूजर्स एक्टिविटी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है। ये जितना ये पोस्ट कर रहे हैं, जितना ये कंटेंट दे रहे हैं, उसके कंपैरिजन में इनको लाइक्स कमेंट्स कितने आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये रेशो है, तो इनका ये काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि अमाउंट ऑफ पोस्ट ये इतने डाल रहे हैं, इंगेजमेंट्स कंपेरेटिवली इनके इतने हो रहे हैं, उसके अलावा जो टॉप हैशटैग्स ये यूज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, उसी के साथ ही टॉप जो कैप्शन ये डाल रहे हैं वो कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाले यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जिस पर्टिकुलर पोस्ट पर कमेंट आया है वो ये है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि इनका कौन सा कॉन्टेंट काम कर रहा है। तो अभी चाहिए इस टूल का यूज़ कीजिए, इंस्टाग्राम का यूज़ कीजिए, और अपने कॉम्पिटिटर्स ढूंढिए। एटलीस्ट 5 कॉम्पिटिटर्स आपके हाथ में होने चाहिए, 5 कॉम्पिटिटर्स आपको पता होने चाहिए अपने नेट से रिलेटेड, और फिर उनको आप ऑब्जर्व करेंगे, उनको फॉलो करके रखेंगे, उनकी ऑडियंस को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ। अब ये कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको इंस्टाग्राम का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। मेक श्योर करो एक भी वीडियो मिस ना करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।